हाल ही में सऊदी गवर्नमेंट ने हजरत खदीजा का घर तोड़कर वहां टॉयलेट्स बना दिए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वहां टॉयलेट्स की कोई खास जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ यही जगह नहीं, सऊदी अरबिया ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई नबी पाक के दौर की जगहों और मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया है। अदील अहमद ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स इन वॉशिंगटन DC का कहना है कि सऊदी हुकूमत इस्लामिक हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मदीना की 6 मस्जिदें जहां नबी पाक ने नमाज पढ़ी थी, इन मस्जिदों को भी लॉक्ड कर दिया गया है। इसके अलावा भी मदीना के नॉर्थ में उहद पहाड़, जहां पर नबी पाक को जख्मी होने के बाद ले जाया गया था, इस जगह पर एक फेंस को लगा दिया गया है और उस फेंस पर लिखा है कि ये एक नॉर्मल पहाड़ है, दूसरे पहाड़ों की तरह। यहाँ तक कि एक 61 पेजेस की रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश्ड हुई है सऊदी अरब जर्नल ऑफ द रॉयल प्रेसिडेंसी में, जिसमें नबी पाक के मकबरे को, जहां नबी पाक की कब्र है, उसे मस्जिद नबवी से हटाने की बात की जा रही थी। और यहां तक कि नबी पाक के मकबरे के पास बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है कि ये नबी पाक की कब्र नहीं है। सऊदी हुकूमत ने 1985 से अब तक 90% रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 1801 में शिया की मुकद्दस जगह करबला और नजफ, जहां मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, अब्दुल अजीज इब्न अहमद इब्न सूद ने इस जगह पर हमला करके इमाम हुसैन के मजार को गिरा दिया और कई शिया मुसलमानों को कत्ल किया। लेकिन आखिर सऊदी गवर्नमेंट इन जगहों को क्यों तोड़ने में लगी है? इसकी वजह है वहाबिस्म फिरका। इस फिरके के मुताबिक किसी रिलीजियस जगह या कब्र पर जाना इंसान को शिरक की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर किसी एक फिरके की ये सोच है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को भी इनकी सोच के मुताबिक चलना होगा। और अगर देखा जाए तो फिर भी इन जगहों को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जगह सऊदी अरब की हिस्ट्री से जुड़ी हैं। ये जगहें हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। और हजरत खदीजा के घर को तोड़कर वहां टॉयलेट बना देना, ये तो प्रॉपर इंसल्ट है। 2023 के स्टार्टिंग में ऐसे रूल्स इंक्लूड किए गए जिसमें मस्जिदों का डोनेशन लेना बैन कर दिया गया और बच्चों को मस्जिद में नमाज पढ़ना भी अलाउड नहीं है, और मस्जिदों के स्पीकर्स की आवाज पर भी लिमिट लगा दी गई। जबकि सऊदी गवर्नमेंट खुद से आर्टिस्ट्स को बुलाकर म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स को प्रमोट कर रही है और इमाम की नमाज या खुतबों की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान का कहना है कि वो सऊदी अरब को मॉडरेट इस्लाम की तरफ ले जा रहा है, और इसका ये कहना है कि मिडिल ईस्ट नया यूरोप है। जिससे ये साफ पता चलता है कि मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब में यूरोपियन कल्चर लाना चाहता है, और इसकी वजह है सऊदी अरब की गिरती इकॉनमी। सऊदी अरब की इकॉनमी मेनली ऑयल से चलती है। सऊदी गवर्नमेंट का 87% प्रॉफिट ऑयल एक्सपोर्ट से आता है, और इस ऑयल ने सऊदी अरब को बहुत पैसा कमा कर दिया है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो, इराम का, जो कि सऊदी अरब की पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी है, इसने 2022 में $535 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था। ये पैसा हमारी GDP का ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, जिसकी वजह है क्लाइमेट चेंज, जिसे हर कंट्री की गवर्नमेंट सीरियस ले रही है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स पर टैक्सेस कम करके गवर्नमेंट इन्हें ग्रो कर रही है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, अब कंट्रीज ऑयल पर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसे कंट्रीज ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। अक्सर ये सप्लाई की शॉर्टेज करके महंगा ऑयल बेचते हैं, और ये बात यूरोपियन कंट्रीज को अच्छे से समझ आ चुकी है। हाल ही में सऊदी अरब की ऑयल इंडस्ट्री क्राइसिस फेस कर रही है, और ये बात सऊदी अरब को अच्छे से पता चल चुकी है कि वो अब सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकते, और वैसे भी इनके पास बस 60 साल के ही ऑयल रिजर्व्स बचे हैं। इसीलिए अब मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब की इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर टूरिज्म, स्पोर्ट्स और दूसरे सेक्टर्स पर शिफ्ट कर रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने 2016 में विजन 2030 को पूरी दुनिया के सामने रिवील किया, जिसमें कई प्रोजेक्ट्स को रिवील किया, जिसमें से सबसे जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था वो था नियम। जैसे ही इस प्रोजेक्ट की वीडियोस रिलीज की गई, पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट की बातें होने लगीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट देखने में किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी जैसा था। और इस प्रोजेक्ट को लेकर सऊदी गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े क्लेम किए थे, जैसा कि नियम में एक लिनियर सिटी बनाई जाएगी, द लाइन। ये 170 किलोमीटर लंबी और 200 किलोमीटर चौड़ी लाइन की शेप में सिटी होगी, जो कि बाहर से पूरी ग्लास से ढकी होगी, और इसमें 5 मिनट्स की वॉक पर आपको हर जरूरी चीज मिलेगी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है ऑक्सीगन, जो कि पानी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा,
जो कि क्लेम किया गया है कि न्यूयॉर्क से 33 गुना बड़ा होगा, जो दुनिया के ग्लोबल ट्रेड का फोकल पॉइंट होगा। इसके अलावा ट्रोजीना प्रोजेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जो कि पहाड़ पर बना एक विलेज होगा जिसमें लक्जरी रिजॉर्ट्स, स्टोर्स और रेस्टोरेंट होंगे। इन प्रोजेक्ट्स को रिवील करने के बाद सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि नियोम सऊदी अरब में 2.5 लाख जॉब्स प्रोड्यूस करेगा और इससे 6.3% सऊदी अरेबिया की GDP ग्रो होगी। लेकिन नियोम की सैटेलाइट इमेजेस तो कुछ और ही कहती हैं। ये है नियोम की रीसेंट टाइम की पिक्चर्स जो सैटेलाइट से ली गई हैं। इस पिक्चर में आप द लाइन प्रोजेक्ट को देख सकते हो, जिसकी अभी तक तो सिर्फ खुदाई ही चल रही है। सऊदी अरब ने नियोम को 2016 में लॉन्च किया था और आज इस प्रोजेक्ट को 7 साल हो चुके हैं और सऊदी अरब को तो इसे 2030 तक कंप्लीट करना है। इस हिसाब से तो इस प्रोजेक्ट का आधा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि अभी तक तो यहाँ कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियोम सऊदी अरब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का जरिया है, क्योंकि सऊदी अरब ने नियोम को लेकर बहुत बड़े क्लेम किए हैं जो करना है अभी तो सऊदी अरब के लिए इम्पॉसिबल लगता है। सऊदी गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि नियोम दुनिया का मोस्ट फूड सेल्फ सफिशियंट सिटी होगा, जबकि सऊदी अरब खुद 80% फूड इम्पोर्ट करता है। इसके अलावा भी सऊदी गवर्नमेंट का क्लेम है कि वो 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे 2030 तक, जबकि 2019 में सिर्फ 0.1% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। जिस जगह नियोम प्रोजेक्ट बिल्ड किया जा रहा है, ये परफेक्ट प्लेस है इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस जगह पर पहले से हुवैता ट्राइब के लोग रह रहे थे, जिनको जबरदस्ती वहां से हटाकर जगह को खाली किया गया है। इनमें से एक इंसान जिसका नाम था अब्दुल रहीम अल हुवैती, उसने अप्रैल 2020 में वीडियो पोस्ट की जिसमें बताया कि उसे जबरदस्ती उस जगह से हटाया गया था और इसके कुछ दिन बाद सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे शूट कर दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट हमेशा से ऐसा ही करती आई है, फिर चाहे इस्लामिक प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर किसी को कत्ल करना। 2022 को सऊदी गवर्नमेंट ने 81 लोगों को कत्ल कर दिया। इन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया गया। इसी तरह 41 शिया को भी सऊदी गवर्नमेंट ने कत्ल कर दिया। अक्टूबर 2018 को सऊदी गवर्नमेंट के एजेंट्स ने जमाल खाशोकी को कत्ल कर दिया। जमाल खाशोकी एक जर्नलिस्ट था। सऊदी गवर्नमेंट ने जमाल को मारकर उसकी बॉडी को डिस्पोज्ड कर दिया, लेकिन जमाल खाशोगी के आखिरी अल्फाज को रिकॉर्ड कर लिया गया था, जो कि बाद में पब्लिक हो गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के कहने पर किया गया था। मोहम्मद बिन सुलेमान का कहना है कि वो इस मर्डर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये मर्डर उनके कहने पर नहीं किया गया। Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. इस मर्डर के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान की रेप्यूटेशन पूरी दुनिया में खराब हुई। इन्हीं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की वजह से सऊदी अरब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना कम हो गई और अब मोहम्मद बिन सुलेमान अपनी इस रेप्यूटेशन को सही करने के लिए स्पोर्ट्स का सहारा ले रहा है। सऊदी अरब ने कई स्पोर्ट्स लीग रिसेंट टाइम में खरीदे हैं, जैसा कि इंटरनेशनल गोल्फ कॉम्पिटिशन फॉर्मूला वन फ्रेंचाइज और न्यूकासल यूनाइटेड FC। लेकिन आखिर स्पोर्ट्स कैसे सऊदी अरब की रेप्यूटेशन को बेटर कर सकता है? इसे स्पोर्ट्स वॉशिंग कहा जाता है, जहां कंट्रीज बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होस्ट करके अपनी इमेज को बेहतर शो करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट लोगों में यूनिटी लाता है। रशिया, कतार और चाइना ने इसी सेम स्ट्रेटजी का यूज करके अपनी इमेज को बेहतर किया है। इसी वजह से सऊदी अरब अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपनी इमेज को बेहतर करने के चक्कर में है। Well, if sport washing gonna increase my GDP by 1%, then I will continue doing sport washing. You're okay with that term? I don't care. I have 1% growth of GDP from sport. इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। सऊदी अरब भी अब वही कर रहा है जो पहले दुबई ने किया था। दुबई को भी 1990 में ये पता चल चुका था कि वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने आज अपने कंट्री को ऑयल से हटाकर टूरिज्म जैसे अलग अलग सेक्टर्स पर डाइवर्सिफाई किया। और आज आप देख सकते हो कि दुबई की टोटल इकोनॉमी का 1% ही ऑयल गैस पर डिपेंडेंट है। इसी वजह से मोहम्मद बिन सुलेमान इस्लामिक रूल्स को खत्म कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे रूल्स से उनका टूरिज्म कभी ग्रो नहीं होगा। आप खुद सोचो, जिस कंट्री में अल्कोहल सिनेमा बैन हूँ, वहाँ ये फॉरेनर्स क्या करेंगे? मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर मोहम्मद बिन सुलेमान ने कल को इन रूल्स को खत्म कर दिया। अब तो सऊदी अरब
इसराइल के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने जा रहा है जिसके पीछे है अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल के रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसराइल फिलिस्तीन की जंग ना होती तो शायद से इनके रिलेशंस बेहतर हो भी जाते, और यही वजह थी कि इसराइल के फिलिस्तीन पर इतने जुल्म करने के बावजूद भी सऊदी अरब ने कोई खास कदम नहीं उठाया। आज मोहम्मद बिन सुलेमान इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब का एक लीडर ऐसा भी था जिसने उन कंट्रीज को ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया था जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। 1973 में किंग फैसल ने दूसरे अरब कंट्रीज के साथ मिलकर ऑयल एम्बार्गो लॉन्च किया और उन कंट्रीज को ऑयल देने से मना कर दिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। आज सऊदी अरब उसी इस्लाम से दूर भाग रहा है जिसने उसे इतना कुछ दिया है। नबी पाक ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक अरब के चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, और आज आप देख सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत भी सऊदी अरब में है। आज इन अरब के लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन इन पर बहुत जल्द बुरा वक्त आने वाला है। एक दिन नबी पाक नींद से उठे, आपका चेहरा लाल हो चुका था। आपने फरमाया कि अरब पर तबाही है उस बुराई से जो उनके करीब पहुंच चुकी है।